नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज 20 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। निकाय चुनाव में ईवीसी आयोग का रिपोर्ट आने का है इंतजार। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में बढ़ेगी सुविधाएं। मुकामा और गोपालगंज उपचुनाव के लिए गाइडलाइन हुई जारी। कपड़ा और लेदर फैक्ट्री के लिए इन चार शहरों में शेड हुआ तैयार। पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान से आया बड़ा बयान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। DSSSB ने 632 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने टीचर और लाइब्रेरियन के कुल मिलाकर 632 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नगर निकाय चुनाव में ABC के रिपोर्ट का है इंतजार। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के फंसे पेज पर बीते दिन पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की गई। बिहार सरकार द्वारा दायर रिव्यू पेटिशन वाले याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले को ABC आयोग के समक्ष भेजने के लिए कहा है। दरअसल बीते दिन राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अति पिछड़े वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक विशेष कमीशन ABC का गठन किया गया है, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट में संजय करोल की खंडपीठ ने इस पूरे मामले को ABC को देखने को कहा है। अब ABC कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और कोर्ट में पेश करेगा। वहीं बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कह दिया है कि ABC आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही बिहार में नगर निकाय चुनाव कराया जा सकेगा। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में बढ़ेगी सुविधाएं। लोगों को आयुर्वेदिक विधि से अधिक उपचार हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग खास इंतजाम कर रही है। इसके लिए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने अस्पताल प्रबंधन से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। बता दें कि प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक की गई थी। इस बैठक में आयुर्वेदिक कॉलेजों में सुविधा बढ़ने को लेकर चर्चा की गई है और विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। वहीं बैठक में कहा गया है कि रोगियों एवं परिजनों की सुविधा के लिए एक महीने में बेड लिफ्ट BMSICL तैयार करा देगा। अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी पंचकर्म यूनिट का निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विशालादित्य सिंह की। विशालादित्य सिंह एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता और मॉडल हैं। विशाल लखन ठाकुर या शक्ति ठाकुर, कुल्फी कुमार बाजेवाला में तेवर सिंह, चंद्रकांता में राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह और नच बलिए, बिग बॉस और फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 जैसे रियलिटी शो में भाग लेने के लिए जाने जाते हैं। विशाल का जन्म 25 जनवरी 1988 को बेगूसराय जिले में हुआ था। विशाल क्रिकेट खेलने में बेहद अच्छे हैं। उन्होंने अपने स्कूल और राज्य प्रतियोगिताओं में क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके बाद उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट करने के बाद वह अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई आ गए। रबी महाअभियान 2022 का CM ने किया शुभारंभ। बीते दिन पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रबी महाअभियान 2022 का शुभारंभ किया। उन्होंने रबी महाअभियान प्रचार रथों को सभी जिलों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि रबी फसल बुआई का समय है, ऐसे में रबी 2022 की सफलता के लिए रबी महाअभियान की शुरुआत की गई है। इस महाअभियान में किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि की सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन और खेतों में फसल अवशेष को जलाने से एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही किसानों को रबी फसलों की तकनीकी जानकारी, जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं मौसम के अनुकूल कार्यक्रम से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। बुद्ध अवशेष स्तूप इस वजह से है बेहद खास। बुद्ध अवशेष स्तूप भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर के 8 भागों में से एक को महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद बौद्धों के लिए सबसे श्रद्धेय स्थलों में से एक है और वैशाली जिले में पटना के उत्तर पश्चिम के आसपास स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए एक संरक्षित स्थल है। बुद्ध अवशेष स्तूप का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक मिट्टी के स्तूप के रूप में लिच्छवियों द्वारा किया गया था। बाद में 1958-1962 के दौरान पटना स्थित KP जायसवाल संस्थान के तत्वाधान में किए गए पुरातात्विक उत्खनन में अस्तूप की खोज की गई। अस्तूप के मूल से खुदाई किए गए अवशेष से कास्केट में
पृथ्वी के साथ मिश्रित भगवान बुद्ध की पवित्र राख, शंख का एक टुकड़ा, मोतियों के टुकड़े, एक पतली सुनहरा पत्ती और एक तांबे के पंच चिन्हित सिक्का शामिल थे। कास्केट को 1972 में पटना म्यूजियम लाया गया था। मोकामा गोपालगंज उपचुनाव के लिए गाइडलाइन हुई जारी। बिहार में हो रहे दो विधानसभा सीट मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है और सभी प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। मोकामा में दो बाहुबलियों की पत्नी मैदान में है तो गोपालगंज में भी टक्कर घमासान होने की संभावना है। चुनावी सभा को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत सभी उम्मीदवारों को ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनावी सभा नहीं होगी। सरकारी कार्यालय या मंदिर, मस्जिद, चर्च समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर भी पोस्टर बैनर लगाने पर रोक है। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी व्यक्ति पर निजी टिप्पणी भारी पड़ सकती है, इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ऐप के माध्यम से सभा स्थल की बुकिंग करा सकते हैं या सभा की अनुमति ले सकते हैं। पुलिस कर्मियों को फुल बाजू शर्ट पहनने और मच्छरदानी लगाने का मिला निर्देश। पूरे बिहार में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, इससे बचाव के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने डेंगू से बचने के लिए सभी सिपाहियों को पूरी बाजू की वर्दी पहनने तथा बैरक में मच्छरदानी का प्रयोग करने का आदेश जारी किया है। ये आदेश सभी जिलों के पुलिस के लिए जारी किया गया है। बता दें कि राजधानी पटना में डेंगू की स्थिति विस्फोटक हो गई है। पूरे प्रदेश में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर अलर्ट है। जगह जगह फॉगिंग की व्यवस्था, साथ ही कीटनाशक के छिड़काव किए जा रहे हैं। 7वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र पर सियासत हुई तेज। बिहार के किशनगंज में 7वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में चीन, भारत, नेपाल और इंग्लैंड के साथ ही कश्मीर को भी अलग देश माना गया है। इसमें दिखाया गया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इस पर विपक्ष भी अब राज्य सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस मामले में NIA की जाँच की मांग की है। इस पर शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि जो सवाल पूछा गया है वो गलत है। मामले में जो भी अधिकारी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री विक्रमशिला की जगह तक्षशिला को भारत में बताते हैं, जबकि तक्षशिला पाकिस्तान में है। हालांकि स्कूल प्रशासन ने इस पर सफाई दी है कि यह एक मानवीय गलती है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन का आखिरी मौका। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन का आखिरी मौका है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECEB द्वारा पॉलिटेक्निक के खाली पड़ी सीटों पर मॉप अप राउंड के तहत एडमिशन लिया जाना है। इसके लिए बीते दिन BCECEB ने तिथि जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी मॉप अप राउंड के लिए विलिंग नेश 21 से 31 अक्टूबर तक स्टूडेंट्स भर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए विस्तृत शेड्यूल 3 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। वहीं काउंसलिंग प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू हो जाएगी। 22 से होगा पटना और नई दिल्ली के बीच फेस्टिवल स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन। दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर ट्रेनों में बढ़ रहे यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे हर संभव रेल मुहैया कराने का प्रयास कर रही है और इस बीच कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना और नई दिल्ली के बीच 02249 या 02250 पटना नई दिल्ली पटना फेस्टिवल स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा। बता दें कि इस राजधानी स्पेशल में प्रथम वातानुकूलित श्रेणी का एक कोच, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के 2 कोच एवं तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 16 कोच होंगे। यह ट्रेन नई दिल्ली से 22, 25 एवं 27 अक्टूबर 2022 को शाम 7:10 में खुलकर सुबह 6:50 में पटना जंक्शन पहुंचेगी। वहीं यही ट्रेन वापसी में पटना से दिनांक 23 और 26 अक्टूबर 2022 को पटना से सुबह 9:00 खुलकर रात 8:55 में नई दिल्ली पहुंचेगी। सीएम ने कहा, कार्यों के बेहतर ढंग से निष्पादन के लिए हर एक थानों में बनाए गए 2 अलग विंग। राज्य में बढ़ रहे आपराधिक मामलों के बीच सरकार की नींद टूटी और बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की। राजधानी पटना ही नहीं, राज्य के अलग अलग स्थानों पर आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। हाल ही में दुरंतो एक्सप्रेस में बख्तियारपुर के समय बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया। वहीं सीरियल फायरिंग तो मजाक बन गया है, बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो जा रहे हैं। ऐसे में आपराधिक मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को यानी बीते दिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य सचिव और DGP भी मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर एक थानों में कानून व्यवस्था एवं अनुसंधान 2 अलग अलग विंग बनाए गए हैं ताकि बेहतर ढंग से कार्यों का निष्पादन हो सके। पुलिस कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। विभागों में जो भी रिक्तियां हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू है।
डेंगू मरीजों की मृत्यु के कारणों और ट्रेंड की समीक्षा करेगी कमेटी। बिहार में डेंगू तेजी से अपना पैर पसार रहा है। डेंगू के मामले विस्फोटक होते जा रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य स्तरीय 4 कमेटी का गठन किया है, जो कि बिहार में डेंगू के मरीजों की मृत्यु के कारणों एवं ट्रेंड की समीक्षा करेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के अनुसार राज्य में डेंगू रोग से ग्रसित मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। मृत्यु के भी कुछ मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य सचिव के अनुसार यह कमेटी साप्ताहिक रूप से अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराएगी। वहीं पटना में सर्वाधिक डेंगू के मामले सामने आए हैं और अब तक राज्य में 4000 से अधिक डेंगू पीड़ितों की पहचान हो चुकी है। एमसीसी ने एमबीबीएस की फिर से बढ़ाई सीटें। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 सीट मैट्रिक्स में एमबीबीएस की सीटें फिर से बढ़ाई हैं। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसे आप एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि पहले 197 सीटें बढ़ाई गई थी, इसके बाद इसे बढ़ाकर 242 कर दिया गया। बिहार के बिहटा मेडिकल कॉलेज में लगभग 15 सीटें बढ़ाई गई हैं। नई एमबीबीएस सीटों के लिए च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। राउंड 1 सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। नीट यूजी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 21 अक्टूबर को जारी होगा। पात्र छात्रों को 22 से 28 अक्टूबर के बीच आवंटित कॉलेजों में अपने दस्तावेजों एवं फीस के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी। पछुआ हवा के चलते तापमान में आई गिरावट। बिहार के मौसम में बदलाव लगातार जारी है। राज्य में मॉनसून की वापसी हो चुकी है। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के अनुसार राज्य में अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहेगा। इसके अलावा बिहार में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य में इस दौरान पछुआ हवाएं चल रही है, जिसके कारण बिहार का मौसम शुष्क बना हुआ है, जिसके चलते राज्य के तापमान में अंतर दिखाई दे रहा है। सुबह के समय मौसम में ठंडक रहती है और दोपहर होने तक गर्मी का एहसास होता है। वहीं मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के अनुसार पछुआ हवाओं के चलते मौसम शुष्क है, जिसके तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शाम के समय तापमान में गिरावट होती है, जिसके कारण सुबह तक मौसम ठंडा बना रहता है, जिसके चलते दिवाली तक तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। राज्य के बिजली कर्मियों को भी दिवाली का तोहफा। बिहार के बिजली कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य कर्मियों की तर्ज पर अब राज्य के बिजली कर्मियों को भी अक्टूबर का वेतन 20 अक्टूबर से ही मिलने लगेगा। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए सरकार के आदेशानुसार बिजली विभाग ने भी यह फैसला लिया है। कंपनी के इस आदेश का लाभ 10,000 से अधिक कार्यरत कर्मियों को मिलेगा और अब इसी के साथ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी व इसके अधीन सभी अनुषांगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मियों को भी अक्टूबर का वेतन 20 अक्टूबर से ही दिया जाएगा। होल्डिंग कंपनी ने इस बाबत ट्रांसमिशन, जनरेशन और दोनों वितरण कंपनियों को आवश्यक निर्देश दे दिया है। कपड़ा और लेदर फैक्ट्री के लिए इन 4 शहरों में शेड तैयार। उद्योग विभाग ने मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, भागलपुर और जहानाबाद वियाडा क्षेत्र में प्लग एंड प्ले मॉडल पर प्री फेब्रिकेटेड शेड तैयार कर दिया है। इसकी जानकारी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रीक सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। इसमें उन्होंने बताया कि बिहार के 4 शहरों में प्लग एंड प्ले योजना के तहत तैयार आधारभूत संरचना आवंटन के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए उद्योग विभाग ने बेतिया के चनपटिया मॉडल को फॉलो किया है। बताया गया है कि कपड़ा और लेदर के लिए यह आरक्षित है। विभाग के अनुसार 15 साल के किराए का समझौता होगा। प्लग एंड शेड निर्माण का उद्देश्य वैसे उद्यमियों की मदद करना है जो जमीन के भाव में फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं। इन्हें अब जमीन के साथ साथ बिजली भी मिलेगा। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी। बीते दिन पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस संजय खरोल की खंडपीठ ने निकाय चुनाव में फंसे आरक्षण के पेज पर बिहार सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। इस पर राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में कहा गया कि अति पिछड़े वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा चुपके से आयोग गठित करने की जानकारी देने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और कहा है कि नीतीश कुमार को इस मामले में मुंह की खानी पड़ी। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी, कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। यही निर्णय पहले कर दिया होता तो यह फजीहत नहीं होती। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की हालत उस पठान जैसी है जिसने 40 जूते भी खाए और 40 प्याज भी खाया। तेज प्रताप यादव ने बिहार में चिड़ियों के लिए चलाई खास मुहिम। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पर्यावरण को बचाने की मुहिम में जोर शोर से लगे हैं। इस बीच उन्होंने पिंजरे में कैद चिड़ियों के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस बीच पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि अब राज्य में हर चिड़िया आजाद होगी, अब उसे कोई कैद नहीं कर सकता है। राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इसके लिए लगातार अभियान चला रहा है। पर्यावरण स्वच्छ बनाने के लिए चिड़ियों को आजाद करना बहुत जरूरी है।
मानहानि के मुकदमे में राजद नेताओं को मिली राहत। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी द्वारा राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह सांसद मनोज कुमार झा और प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन पर दायर मानहानि के मुकदमे में इन दोनों नेताओं को राहत मिली है। पटना की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह सांसद मनोज कुमार झा एवं प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। बता दें कि इनके खिलाफ भाजपा सांसद सुशील मोदी ने साल 2017 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर सोनिया गांधी ने दी बधाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। खड़गे अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे ने 7,897 वोट हासिल किए, जबकि शशि थरूर को 1,000 के आसपास ही वोट मिले। एजेंसी के मुताबिक 416 वोट खारिज हो गए हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पार्टी की निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें जीत की बधाई दी। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी खड़गे के 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पहुंची। एशिया कप 2023 को लेकर पाकिस्तान से आया बड़ा बयान। पाकिस्तान के पूर्व ओपनर सईद अनवर ने 2023 में होने वाले एशिया कप को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होना है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने ये कहा था कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब इस पर सईद अनवर ने प्रतिक्रिया दी है। पूर्व पाक ओपनर सईद अनवर ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय टीमें पाकिस्तान आती हैं और खिलाड़ी पीएसएल में खेलने के लिए आते हैं तो बीसीसीआई को क्या दिक्कत है। अगर बीसीसीआई किसी तटस्थ स्थान पर जाना चाहती है तो पाकिस्तान को भी अगले साल के लिए न्यूट्रल वेन्यू के लिए जाना चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। अकबर ने 1568 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। कोलकाता 1774 में भारत की राजधानी बनी थी। भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में आज के दिन हुआ था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 1962 को युद्ध शुरू हुआ। भारत के उत्तरकाशी में 1991 को 6.8 तीव्रता के भूकंप से 1,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 2015 को 37 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संन्यास लिया। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ का जन्म 1930 में हुआ। नरेंद्र मोदी का कैबिनेट मंत्रिमंडल में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुदर्शन भगत का जन्म 1969 में हुआ। आक्रामक बल्लेबाजी के प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग का जन्म 1978 में हुआ। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ शंकर राय का जन्म 1920 में हुआ। आधुनिक गुजराती साहित्य के कथाकार, कवि, चिंतक, वेचक, चरित्र लेखक तथा इतिहासकार गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी का जन्म 1855 में हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी इंडिया पोस्ट की नकली वेबसाइट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट की नकली वेबसाइट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि नकली वेबसाइट इंडिया पोस्ट या tb.php जैसे कई वेबसाइट भारतीय डाक पर लकी ड्रॉ करने का दावा कर रही हैं। भारतीय डाक या डाक विभाग का ऐसी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों से सावधान रहें। पटना सहित इन जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में बीते दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पटना, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया सहित नेपाल से सटे कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। वहीं यूपी के गोरखपुर सहित कई जिलों में भी यह झटके लोगों ने महसूस किए। भूकंप को लेकर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बीते दिन बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल काठमांडू से 66 किलोमीटर पूर्व में पाया गया है। दोपहर 2:52 और 44 सेकंड पर भूकंप का झटका आया था। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.4 पाई गई थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरान जी, रंजीत कुमार, शंकर मुखिया, परमानंद कुमार, रोहित ठाकुर, गोनर शर्मा, गीता कुमारी, योगेंद्र यादव, आयुष प्रकाश, चंदन कुमार, मंगीता कुमारी, अतीक खान, कुश कुमार और रवि कुमार राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि विपक्ष के अनुसार बिहार में बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए बिहार सरकार को क्या क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।